नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण निषाद, एसआईटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का जो ई केवाईसी बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू किया जा रहा है वो कैसे करेंगे, और यदि जिनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उन्हें तो मस्त है कि वो बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू या मंत्रा या मॉर्फो डिवाइस जो भी है उसके माध्यम से ई केवाईसी करेंगे। यदि जिनका मोबाइल है वो डायरेक्टली पीएम किसान की वेबसाइट से जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके और वहाँ से अपना ओटीपी के माध्यम से केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एड्रेस बार में exlink.pmkisan.gov.in टाइप करके इंटर करेंगे, और इंटर करते ही हमारा डिजिटल सेवा का जो पोर्टल है लॉगिन करने के लिए देगा, जिसमें हम डिजिटल सेवा का जो यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करके कैप्चा फिल कर देंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन जैसे आप करेंगे वैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। डायरेक्ट इस पर आप बायोमेट्रिक आधार अपलिकेशन पर क्लिक करके आधार नंबर टाइप कर देंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद इमेज टेक्स्ट के अंतर्गत कैप्चा फिल कर देंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही आपको एक मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आप मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो, आधार से लिंक हो या ना लिंक हो, उस नंबर को टाइप करके आप गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। और जो ओटीपी मोबाइल पे आपके आया हुआ होगा उस ओटीपी को आप इंटर मोबाइल ओटीपी बॉक्स में टाइप कर देंगे। यहाँ पर ओटीपी टाइप कर देंगे, और ओटीपी टाइप करने के बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जिस प्रकार का बायोमेट्रिक डिवाइस आप सिस्टम से अटैच किए रहेंगे उस मॉडल के डिवाइस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा मंत्रा का डिवाइस है तो मैं कैप्चर फॉर ई केवाईसी मंत्रा पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करके यहाँ पे फिंगर लगवा करके कस्टमर का या जो भी लाभार्थी है उनका यहाँ पे फिंगर लगवा करके और उनका केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आप सबमिट बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका बोल रहा है कि आपका जो केवाईसी डन हो चुका है, और यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तो जैसे ओके करेंगे आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर आप जो डिजिटल सेवा का आपका जो कनेक्ट पासवर्ड है वो वहाँ पे एंटर करेंगे। लॉगिन पासवर्ड करने के बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आप यहाँ पर वॉलेट पिन एंटर करेंगे, और उसके बाद पे जो भी अमाउंट शो कर रहा है उस पर क्लिक करके और अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।